मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आपका हमारे चैनल हाई टेक इंटीरियर पर। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे टीवी एलईडी यूनिट्स के बारे में। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा एलईडी पैनल तैयार हो चुका है, उसके साथ ड्रेसिंग भी वो भी तैयार हो चुकी है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अब हम आपको इसकी थोड़ा बहुत डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में बता दे रहे हैं कि हमने किस प्रकार बनाया, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया है, ये 8x10 का स्ट्रक्चर है, इसको प्रॉपर जॉइंट के साथ इसको किया है। अब ये देखिए आपने, हमने इसको जॉइंट किया, फिर हमने इसके बाद इसमें प्लाई वगैरह पीछे लगाया और जैसा कि आप देख रहे हैं अब हमने कोपिंग की। कोपिंग को 4 इंच मोटे, हमारे पास वेस्टेज मटेरियल था तो उस वेस्टेज मटेरियल का हमने यूज़ करके 4 इंच की कोपिंग बना दी गई और 4 इंच मोटी कोपिंग बना दी गई और इसका साइज है अप्रोक्स 5x5 फिट का है। जैसा आप देख रहे हैं हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं काम में और बहुत ही उम्दा तरीके से काम करते हैं। और हम अब आगे का और प्रोसीजर आपको बताते हैं। जैसा कि हमारा ये अंदर माइका वगैरह लग के तैयार हो चुका है जैसा आप देख रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने पूरा माइका वगैरह लगा दिया गया है और पूरी कोपिंग लाइटें दे दी गई हैं। ये कोप लाइट हमने जो दी है वो बहुत ही बढ़िया वाली है जो मल्टीपल कलर आपको देती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे हमने पल्ले दिए हैं, ऊपर भी पल्ले हैं लेकिन वो हिडन पल्ले हैं दोस्तों। तो अब बात आ जाती है हमारे कॉस्ट, लेबर कॉस्ट की। तो हमारा चार्जेस होता है 240 रुपीज़ स्क्वायर फिट, ये लेबर कॉस्ट होती है और हमने यहाँ पर 100 स्क्वायर फिट वर्क किया है तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम बता देते हैं हमने यहाँ पर हाइलाइटर जो यूज़ किया है वो टेक्सचर फॉर्म में किया है और माइका भी जो यूज़ किया है वो भी टेक्सचर फॉर्म में किया है। ये टेक्सचर फॉर्म होने के कारण इसमें 3D आउटपुट्स आता है जिसके कारण ज़रा सी भी लाइट पड़ने पर ये बहुत ही उभर कर दिखता है, एट द 3D टाइप दिखता है। तो हमने यहाँ पर ब्लैक माइका जो भी यूज़ किया है वो भी टेक्सचर फॉर्म में है और हाइलाइटर भी जो यूज़ किया है वो भी टेक्सचर फॉर्म में है, जिसके कारण ये बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। और डिफरेंट टाइप की स्पॉटलाइट यूज़ की है जिसके कारण वो भी अट्रैक्टिव लुक दे रही है। और हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर टीवी लगाना बस रह गया है और टीवी लगते ही ये आपको और ही बढ़िया दिखेगा। तो जैसे ही टीवी लगती है तो मैं आपको इसका एक और पिक दूँगा, ठीक है? तो मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एलईडी पैनल बना हुआ है, इसमें कोप लाइट लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चारों साइड कोप लाइट लगी हुई है और ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं स्पॉट लाइट दी गई है। और जैसा कि हम इस साइज का बात करें तो ये 10x10 का है और इसकी जो विड्थ दी गई है ये 15 इंच दी गई है इसका पूरे स्पेस, और इसकी जो डेप्थ दी गई है ये 18 इंच दी गई है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 इंच की पट्टी चलाई गई है जिसके कारण इसका लुक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और जैसा कि देख रहे हैं आप नीचे हमने डोर्स दिए गए हैं, जो भी अपना इस पे जो भी थोड़ा बहुत अपन को सामान रखना चाहते हैं तो अपन वो सामान रख सकते हैं। ऐसे हमने 6 डोर दिए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी में हम लोगों ने बढ़िया तरीके से काम किया है। ये देखिए आप, और अब बात आती है ड्रेसिंग की। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें अंदर सेल्फ दिए गए हैं और नीचे ड्रॉवर दिया गया है और 2 डोर्स दिए गए हैं। और इन डोर्स के नीचे टेबल है जो फोल्डेड है जो कि हमारा स्पेस को बहुत कम करती है। और इसको हमने बंद कर दिया और हम बताना चाहेंगे ये जो प्रॉपर स्पेस है ये आपका है 18x18 का ऊपर से लेके नीचे तक, और ये
हम लोग सीनरी वगैरह किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 56 इंच की LED TV लग रही है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने चारकोल शीट यूज़ की गई है जो बहुत हाईलाइटर है। इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 3000 पर सीट रहती है, जिस एक सीट का साइज 2x8 होता है। हो गया। दोस्तों यदि वॉइस में मिस मैच हो तो मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। मैं अब एक नया माइक लेने वाला हूँ और आगे आपको वीडियो और ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।